वेलकम टू राजेश किचन। आज हम आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता ब्रेड कटलेट बना के दिखाते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन नाश्ता है। आप इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 250 ग्राम आलू ले लिया, बॉयल करके मैश कर लिया है अच्छे से। एक कटोरी मटर ले ली है, जीरा ले लिया है आधा चम्मच, राई आधा चम्मच, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट एक चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और अमचूर पाउडर एक चम्मच, नमक स्वादानुसार। चलिए अब शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें लगभग एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें पहले जीरा ऐड करेंगे और इसके चटकने का इंतज़ार करेंगे। जीरा हमारा चटक रहा है, अब हम इसमें राई भी ऐड कर देते हैं। अब अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और उसको अच्छे से भूनते हैं, क्योंकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए तभी टेस्ट आएगा अच्छा। अब इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर देंगे साथ में। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं जिससे मसाला हमारा अच्छे से मिल जाए और अच्छे से भुन जाए। मसाला अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब हमको इसी के साथ ही मटर भी ऐड कर देना है। मटर हमारा फ्रोजन है, हमको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अब इसको लीड से ढक के 2 मिनट पकने देंगे जिससे मटर के साथ ही हमारे सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। 2 मिनट हो गया है, ये देखिए मटर भी हमारे अच्छे से एकदम मसाले के साथ मिल गए हैं और भुन गए हैं। तेल हमारा सेपरेट हो रहा है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। अब आलू को अच्छे से हमको मिक्स करना है इसमें और इसको भुनना है कायदे से। जितना अच्छा ये आलू हमारा भुना जाएगा उतना ही टेस्ट आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको चला चला के मैश करते हुए, जो आलू थोड़ा बड़ा है उसको भी मैश कर दीजिए इसी से। अब अमचूर पाउडर लास्ट में ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अमचूर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको धनिया पत्ती डाल के फिनिश करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे, लगभग 1.5 चम्मच। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसका अच्छे से घोल बना देते हैं। ये घोल बन गया है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम ये ब्रेड ले लेते हैं और इसके साइड्स जो हैं वो उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे चारों तरफ से। इसका साइड आप किसी दूसरे चीज़ में भी यूज कर सकते हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। इसका ब्रेड क्रम्ब भी आप बनाकर यूज कर सकते हैं। इसको चारों तरफ से अच्छे से, साइड वाला पार्ट समझ नहीं चाहिए। ये हमने निकाल दिया है, इसको आप अलग रख दीजिए। अब एक ब्रेड उठाइए
इसको पानी हल्का सा, इस पर पानी ऐड कीजिए, पानी से भिगो के दोनों साइड से। अब इसको अच्छे से दबा के इसका सारा पानी आप निकाल लीजिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हमने जो फिलिंग बनाई है उसको रख लेते हैं बीच में, और चारों तरफ से ब्रेड को ऐसे मोड़ते हुए हाथों से प्रेस करके इसका एक कटलेट शेप इसको दे देंगे। आप गोला शेप भी दे सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये शेप आ गया है, ब्रेड कटलेट बहुत ही शानदार बनेगा। इसी तरीके से आप अपना चारों भिगो भिगो के अच्छे से प्रेस करके इसका पानी ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। अब अपने फिलिंग भर के चारों तरफ से मोड़ते हुए एक कटलेट का शेप दे दीजिए अच्छे से। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप अपने सभी कटलेट तैयार कर लीजिए, और ये खाने में इतना मज़ा देता है, ऊपर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब ये जो हमने कॉर्न फ्लोर का घोल बनाया है इसी में इसको ड्रिप कीजिए, और ये सेवई जो बारीक वाली सेवई आती है वो हमने ले लिया, उसको एकदम बारीक चूरा बना लिया उसका। अब इसको इसमें अच्छे से लपेट लीजिए और तेल में डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए, और तेल बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे तेल होना चाहिए। डीप करते जाइए और डालते जाइए एक एक करके इस तरीके से। ये बारीक वाली सेवई, उसको हाथ से भी आप मसल देंगे तो एकदम चूरा हो जाएगा उसका। आप इसकी जगह पे सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सूजी से ज़्यादा अच्छा लगता है ये सेवई बारीक वाली। अब इसको घुमाते घुमाते एकदम अच्छे से लाल और फ्राई कर लीजिए। देख रहे हैं कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, बहुत जल्दी 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता है। इसको एक मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा ये ब्रेड कटलेट। अब इसको निकाल लीजिए अच्छे से, और किचन पेपर पे इसको निकाल लीजिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो ये देखिए हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा ब्रेड कटलेट बन के तैयार है। अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितना लहगर हमारा ब्रेड कटलेट। इसे टमाटर सॉस या चिली सॉस से इंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।